लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी की बड़ी धड़कनें, आज 3 लोकसभा सीटों पर निशाना लगाएंगे पीएम मोदी, ऋषिकेश की सभा रहेगी खास। लोकसभा चुनाव में हुंकार भरेंगे राहुल गांधी, आज फलौदी में होगी जनसभा, अनूपगढ़ में भी जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल। भारत में सभी धर्मों के लोग खुश, अल्पसंख्यकों से भेदभाव के सवाल पर पीएम मोदी का जवाब। सत्ता के संग्राम के लिए अखिलेश यादव ने झोंकी ताकत, सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज बिजनौर में करेंगे जनसभा। बरही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित, समीक्षा बैठक के साथ जोरदार तैयारियां शुरू। सिक्किम के 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा पार्टी का घोषणा पत्र करेंगे जारी, जनता के सामने लगाएंगे वादों की झंडी। जामा मस्जिद में ईद पर अदा की गई नमाज, मायावती बोली भाईचारा देश के लिए जरूरी। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू, एक आतंकी को घेरा। गरियाबंद में आज सीएम साई की होगी सभा, कांदा डॉगर की ओर बना मंच, मान्यता के अनुसार विपरीत दिशा में बने मंच से होती है हार। चुनाव आयोग ने सुरजेवाला को भेजा नोटिस, आज देना होगा जवाब, हेमा मालिनी पर की थी टिप्पणी। कराची की सड़कों पर देश भर से 4 लाख भिखारी पहुंचे, अपराध भी बढ़े, पुलिस ने जारी की चेतावनी। बाढ़ से रूस और कजाकिस्तान के कई इलाके जलमग्न, लाखों ने छोड़ा घर, लोग बोले इतनी भयावह स्थिति पहले नहीं देखी। मुख्य सैन्य विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचा किम जोंग उन, बोला युद्ध के लिए तैयार रहने का समय आ गया है। हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया के 3 बेटों की ड्रोन अटैक में मौत, अब इसराइल पर लगा रहा आरोप। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने दलों से मांगा चुनावी खर्च का पूरा ब्यौरा, 22 अप्रैल तक सूची सार्वजनिक करने का निर्देश। पहले दौरे पर जल्द भारत आएंगे टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, बोले पीएम मोदी से मुलाकात के लिए उत्सुक हूं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी से भारत को हो रहा फायदा, मिल रहा डिजिटल पेमेंट का बेनिफिट। संकट में चीन की अर्थव्यवस्था, फिच ने स्थिर से नकारात्मक की क्रेडिट रेटिंग। लगातार 3rd सत्र में सोना चांदी रिकॉर्ड पार, 72,000 रुपए पर पहुंची कीमत। ग्रीन और ऑर्गेनिक के नाम पर भ्रामक प्रचार, पड़ सकता है भारी, कई विज्ञापनों पर होगी कार्रवाई।